dear students assalamu alaikum today our topic is conservation of plants and animals class 8th, subject science and i am ejaz Ahmad pare teacher government middle school khurama zone Khumriyal. let's begin our topic conservation of plants and animals अगर कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब तफुज यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्यारे बच्चों इस लेसन में सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स काजेस की जिक्र हुई है यानी बात हुई है तो शुरुआत डिफॉरेस्टेशन से ही करते हैं व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन डियर स्टूडेंट्स डिफॉरस्टेशन मीनज कलियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर परपज यानि जंगल कटाव जंगलातों का सफाया करना वाई पीपल कट ट्रीज फॉर वट पर्पज दे कट ट्रीज मोस्टली फॉर सब आप जानते होंगे कि लोग जंगलातों का सफाया क्यों करते हैं पहली प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन यानी इस जमीन को काश्तकारी में इस्तेमाल करते हैं सेकंड परपज बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज मकान और कारखानों में इस्तेमाल करना मेकिंग फर्नीचर फॉर यूजिंग वुड एज फ्यूअल टेबल्स बनाने में चेयर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं और साथ साथ जलाने में भी ये इस्तेमाल करते हैं सम डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्राफ्ट यानी जंगलात में आग लगना और साथ ही शदीद खुशिक साली भी एक कुदरती वजह है नाउ डियर स्टूडेंट्स चेक

इट आल्सो इनक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड इन एटमोसफियर अपकोर्स जब हमने पौधों की तादाद कम की तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल हैं वो बढ़ जाती हैं पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लाउड यानी जमीनी सतह पर पानी की तादाद कम हो जाती है डिफॉरस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर यह बनी हुई बैलेंस को बिगाड़ देता है एंड ऑल्सो इफ कटिंग ऑफ ट्रीज कंटिन्यूस रेनफॉल इज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विल डिक्रीज यानी प्यारे बच्चों अगर हम दरख्तों की कटाई लगातार करते रहेंगे तो बारिश और जमीन की जो फर्टिलिटी जरखेज वो कम हो जाएगी मोर एवर देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ नेचुरल क्लामिटी सच एज फ्लड्स एंड ड्राफ्ट यानी सैलाब और खुशिक साली के चांसेस ज्यादा रहते हैं नाउ हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल कटाव से बारिश में कमी के साथ साथ सैलाब आपकी चांसेस कैसे मुमकिन या ज्यादा रहते हैं डियर स्टूडेंट रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसेंथिस फेवर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज अमाउंट इन द एटमोसफियर दिस विल लीड ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइ ऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ द इनक्रीज इन द टम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्बेंस द वाटर साइकल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल दिस कूड कॉज ड्रॉट्स यानि प्यारे बच्चों पौधों को गुजा बनाने के लिए कार्बन डाईआक्साइड की ज़रूरत पड़ती है इनकी तादाद यानि पौधों की कमी होने से कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो बढ़ जाती है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है यानी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द अर्थज एटमोस्फियर जनरली एट्रीब्यूटेड टू तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट काजड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरो फ्लोरोबनज एंड अदर पोलूटेंट एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाई द अर्थ दर्जे हरारत में इजाफे की वजह से जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होते हैं यानी इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से बारिशों में कमी के साथ साथ खुशिक साली भी हो जाती है अगर हम जमीन की बात करते हैं डिफारेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू चेंज इन दॉयल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ गेट्स इफेक्टेड बाय द प्लांटेशन एंड वेजिटेशन एज यू प्रिवेंट दीज इरोजन Means the washing away of the soil by the flow of water. Dear students, Fever trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard and rocky layers. Gradually, the fertile land gets converted into deserts. That is known as desertification. Ek aur baat deforestation also leads to decrease in water holding capacity of the soil the movement of water from the soil surface into ground this infiltration rate its movement of water is reduced so the is there are fluids and other properties of the soil like nutrient content texture etc also change because of deforestation पहले बच्चों ये था हमारा आज का मौजू deforestation इट इस causes एंड consequences अब आप समझ गए होंगे कि जंगलात काटने से कैसे-कैसे मुजर असरत हमारे माहौल पर पड़ते हैं और साथ ही deforestation से हमें किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है लिहाजा हमें पौधे काटने के बजाय पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे इन इसी लेसन से किसी और मौजू पर आने वाले क्लास में बात हो कि अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज असल